गाइस ओ भाई गॉड, कभी ट्राई करना है। मैंने बड़े वाला झींगा कभी खाया नहीं है। 14 प्लस है 1053 भात का, नहीं ओ सॉरी 37900 का। 14 प्रो कितने का है यहाँ पे? मेरा भाई लेके आया जूते, दिस इज 7 नंबर। तो गाइस अभी हमने ले लिया है जूता, ये वाला भी इंडिया में जूता 22,000 रुपए का किसी का। देखो गाइस यहाँ पे सारे माइक में पड़े हुए हैं ड्रोन डीजे के। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस जॉन। सो गाइस आज एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज है 27, आज हम फिर से जा रहे हैं एमबीके मॉल। कल गए थे एमबीके मॉल पर 4th फ्लोर तक ही पहुंच पाए थे, सो आज दोबारा से जा रहे हैं एमबीके मॉल से। मैंने शूज लेने हैं, यहाँ पे बड़े सही सही कलेक्शन है शूज का। अगर मुझे आज देखता हूँ बढ़िया शूज मिल गए तो ले लेंगे, वरना हमें आइकॉन से हम मॉल जाना है वहाँ पे देख लेंगे। आज तो नहीं जाना, वो आपको एक दो व्लॉग में देखने को मिलेगा आने वाले। हमने ये होटल ना 28 तारीख तक ही बुक किया था, सो अब कल 28 है, कल चेकआउट है। तो मैं कहा चल एक बार पूछ लेते हैं उससे जाके कि क्या सीन है, अगर एक्सटेंड करवाना हो 2 दिन के लिए और, क्योंकि अभी तो हमें 2-3 को है ना अभी तो हमारी फ्लाइट, तो 2 तारीख तक तो रखेंगे हम होटल। अब मैं सोच रहा हूँ क्या ही चेंज करूँ यार, इधर उधर कहाँ जाऊँगा होटल बुक करने के लिए, मेरे को सबसे बड़ा पंगा लगता है। फिलहाल सोच रहा हूँ कि यहीं पर ही पता कर लेते हैं अगर बन जाए बात तो। एक्सक्यूज मी, माई रूम इज़ 1307। If I want to extend for 2 more days, how much cost? 800 baht per night. 800 baht per night. Okay. I will confirm you tomorrow because my checkout is tomorrow. Okay. लो जी फाइनली आ चुकी है जी हमारी गाड़ी। Can I लगाऊं सीट बेल्ट? पहुंच चुके हैं जी एमबीके मॉल। ओके थैंक यू, थैंक यू। अगली बार आऊंगा तो इंग्लिश सीख के रखिए प्लीज। हैं चल आ जा कृतिका, हाँ भूख तो लग रही है, रुक जा मेरे को लंगड़ी टांग को कैसे आराम से लेके चल बाबू। इधर पीछे लंगड़ी टांग का भी ख्याल रख। देखो गाइस ओ बाय गॉड, कभी ट्राई करना है, मैंने बड़े वाला झींगा कभी खाया नहीं है। तो ऑक्टोपस के पकौड़े, वाह केकड़े के पकौड़े 550 बात का है, छोटे से केकड़ा, ये सांप करे ये क्या 300 बात का समोसा। हमारे वहाँ सैनी हलवाई पे ये 10 रुपए का मिलेगा। लो जी हमने ले लिया वानी के लिए स्ट्रोलर, तो और मैं भी स्ट्रोलर का सहारा ले लेके चल पाऊँगा क्योंकि मेरे से अभी चला नहीं जा रहा, गोड्डा बड़ा दर्द हो रहा है मेरा ना। वैसे अभी ना हम यहाँ पे गिफ्ट वाली शॉप पे आए थे और यहाँ पे हमें बड़ी खतरनाक चीज़ मिली है गिफ्ट देने के लिए। ये देखो ये ना साबुन है, देखते हैं किसको गिफ्ट देते हैं, ऐसे गिफ्ट कोई लेना भी नहीं पसंद करेगा। एक तो मेरी टांग इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है और ना एक हम लिफ्ट से बार बार नहीं जा सकते, चल के जाना पड़ रहा है, लिफ्ट लास्ट में मिलती है। सो ये सीढ़ियों से जाना बेटर है, सो हमने जुगाड़ लगाया है, अभी देखना वानी को हम कैसे लेके जाएंगे। चलो अरे वानी को तो दिखा वानी कैसे, ये देखो वानी कैसे पड़ी है झूले में। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं एप्पल स्टूडियो स्टोर पे। एक बार आपको यहाँ पे आईफोन का रेट दिखा ही देते हैं। आईफोन 14 है 32,900 भात का, 14 प्लस है 1053 भात का, नहीं ओ सॉरी 37,900 का। 14 प्रो कितने का है यहाँ पे? 41,900 का, मतलब कितने का पड़ रहा है 14 प्रो? 41,900 × 2.4 1,00,000 रुपये का पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे फिर भी 29,000 रुपये का फ़र्क है। तो गाइस अभी हम घूम रहे हैं जूतों वाले सेक्शन में, यहाँ पे जूतों के बड़े सही सही कलेक्शन हैं, देखो एक से एक हैं। मेरे लिए तो कोई मिल नहीं रहे, कृतिका को मिल गए हैं एक, ये भी सही लग रहे हैं। ये देखिए एडिडास के भी अच्छे हैं, ये देखिए तुझे कैसे लगे हैं, क्वालिटी भी दे बहुत अच्छे हैं, जिम जुम भी पाके जाएगी ना बहुत सही लगेंगे। ले ले ये वाले कृतिका, कलर बड़ा सही है, एक से एक कलेक्शन है यहाँ पे जूतों का ना, एडिडास का रिबॉक का हर तरह के जूते हैं यहाँ पे। और वो वहाँ तक पूरी लाइन जो है भरी पड़ी है। एमबीके मॉल में आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा, देखो गर्ल्स के हैं, अगर ये बॉयज़ के होते हैं ना पक्का ले लेता है। ये डिज्नी एडिशन है, एडिडास डिज्नी एडिशन। ये जूता वैसे 2500 बाट का है और अभी ऑफर प्राइस चल रहा है 1500 बाट, मतलब 3200-3300 रुपये का है। इसका सही जूता लग रहा है, डिज्नी का है, डिज्नी एडिशन। ये इंडिया में कम से कम ये जूते 7,000 रुपये के होंगे आराम से, 7-8,000 रुपये के होंगे। जाना हमने 4th फ्लोर पे था पर अब आ गए जूते देखने के लिए मेरे। अरे यार इस पैर का ले आई, ये भी स्मॉल इसी सेम साइज ही है कितनी का, उसको बोल के बिग साइज जूता, बड़ा सही लगा मुझे यार, कैसा ही लग रहा है। कलेक्शन तो एक से एक है और इतने से अंदर से इतना सॉफ्ट है ना, ये पाके अगर चच गया तो ये ले लेंगे, एक ही पसंद आया है, ये वेटेडास का ही है। वानी कौन सा लें बताओ आप, विच वन, दिस और दिस, विच वन यू लाइक टेल मी, विच वन कौन सा लें वानी, ये वाला ले लें या वो वाला ले लें, सोचने लगी कौन सा लें, ले लो कौन सा लेना है, ले लो
जो भी आर्टिकल हम यहाँ से ले रहे हैं ये इंडिया में नहीं आता मेरे ख्याल से, तो नहीं है। चलो डाल के देखते हैं, अगर वो वाला पसंद आ गया या वो ले लेंगे या ये ले लेंगे, एक ले लेंगे दोनों में से। मेरा भाई लेके आया जूते, दिस इज 7 नंबर, दिस इज ऑल्सो बड़ा टैट 8 नंबर, नो 8, वेरी टाइट, वेरी टाइट। वो आप ही बोंदल गया कि कौन से नंबर का है। दिस इज बड़ा छोटा आई थिंक सेम, एंड दिस सेकंड पैर बोथ एक ही पैर है। नो आई सेड सेकंड शू, सेकंड शू दिस लेफ्ट साइड, दिस शू फॉर मेन एंड शू लेडी, दिस इज फॉर गर्ल्स लेडी, ओ मै गर्ल्स और आई एम नॉट, आई एम बॉय, दिस इज बॉय, yeah boy, okay I need this one, I think it's for boys. no. okay thank you. Kritika ka tu le sakti hai jutte, kisi dilwad diye main hi kya karungi, le le yaar fir kya dikkat hai, le andar se awaaz aa rahi hai mann mein se, le ani mamma ke andar se awaaz aa rahi hai na, le chalo ji humne to ye wale le liye, abhi ek jodi main aur lunga, ye to bas waise liye hain, ek aadha aur lete hain abhi। UK 7, this is UK 7 है। Can I try it? भाई साहब अभी एक जूता पसंद आया, ये देखो यार यहाँ कलेक्शन देखो जूतों का एडिडास, और ये है 4240 मतलब 10,000 रुपये का जूता, 8,500-9,000 रुपये का, स्मॉल, वेरी स्मॉल, यस दिस इज सो नॉट कम्फर्टेबल। भाई क्या सही पसंद आया, अगर मेरे को साइज मिल जाता ना मैं ले लेता, कितनी का देखियो। एक जूता ये मेरे को पसंद आया था, इसमें भी साइज नहीं है यार, क्या कलोले हो रही हैं। भाई मैं जो लेने को कह रहा था ना वो ये जूता है, अब इसमें साइज़ देखते हैं है कि नहीं, इसे मुझे लग रहा है साइज़ औखा ही है मिलना। ये पसंद आ गया जूता, सही लग रहा है ये वाला, 8 नंबर ना। सो गाइस अभी हमने ले लिया है जूता, ये वाला भी इंडिया में जूता 22,000 रुपये का, कितने का भाई साहब। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस अभी हम आ चुके हैं मोबाइल मार्केट में, ये यहाँ पे 4th फ्लोर पर है ना, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो मोबाइल का सामान। तो भाई कितने सही सही मोबाइल पुराने, नोकिया के मोबाइल पुराने मॉडल आते होते थे जो, वाह ये देखिए ये भी नोकिया का मोबाइल, हाउ मच फॉर दिस नोकिया मोबाइल, नॉट फॉर सेल। अभी हम आ चुके हैं इसके 5th फ्लोर पे इस मॉल के, और अभी टाइम हो चुका है 8 बज चुके हैं। भाई साहब ये मॉल ना कवर करना बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल है, 5th फ्लोर है अभी, 6th और 7th और बाकी है, यहाँ पे जल्दी जल्दी घूमते हैं कुछ मतलब का हुआ लेंगे वरना नहीं। सो गाइस इस फ्लोर पे ज़्यादातर मिलेगा आपको फर्नीचर वगैरह, ये तो वैसे भी हम इंडिया ले जा नहीं सकते। सो देखो गाइस यहाँ पे सारे माइक में पड़े हुए हैं ड्रोन डीजे के, भाई साहब 23,300 का है एक क्रिएटर कॉम्बो, यहाँ पे पूरा डीजे का ही सामान है। अब इसके 5th फ्लोर पर आपको कैमरा वगैरह गेमे घूमे सब मिल जाएगा। सो गाइस आज हमारे साथ क्या क्लोल, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मैं इसी मॉल में ही आया था आज से, लास्ट टाइम जब मैं थाईलैंड आया था उस पर तो कारें पूरे सब कुछ खड़ा हुआ था, अब ना यहाँ पे कार ना यहाँ पे साइकिल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो सीन हुआ क्या है। सो फिलहाल तो हम जा रहे हैं जी वापस 1st फ्लोर। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं MBK सेंटर के 2nd फ्लोर से बाहर, और यहाँ से बाहर आने के बाद जो यहाँ का नज़ारा है ना गाइस, ओहो अल्टीमेट है ये, देखो गाइस यहाँ से नज़ारा पूरी सिटी का ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ से, और वो सामने है सियाम पैरागॉन मॉल जहाँ मैं जाना था, और हम घूम रहे थे इस मॉल में, उस मॉल में कह रहे वो गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ होता है, तो जाके देखते हैं कि क्या सीन है वहाँ पे। अभी तो 10 बजे तक टाइम है और टाइम अभी हो चुका है, 9 तो बज भी गए हैं, सो चल के देखते हैं एक बार, जल्दी जल्दी पहुँचना पड़ेगा वहाँ पर। गाइस अभी हम आ चुके हैं सियाम पैरागॉन मॉल में, भाई अलग ही लुक है यहाँ पर तो, और गाइस ज़रा यहाँ पर कलेक्शन चेक करना, ओ भाई साहब ज़बरदस्त। देखो गाइस आज तक कॉपियाँ तो बड़ी देखी हैं मैंने, बड़े सब की सब ओरिजिनल हैं, जॉर्डन की गैप हो भाई साहब, ये कितने की है 900 की है शायद, मतलब 9×18,000 रुपये की। माय गॉड कृतिका गुच्ची का मेकअप कितने का होगा ये, 1227 बात का क्या है ये, ब्यूटीफुल ले दे तुझे एक, ले ले कृतिका देखी जाएगी, एक सबसे सस्ता देख के आया गुच्ची का ओरिजिनल, अरे सबसे सस्ती चीज़ एक ले ले गुच्ची का ओरिजिनल। और यहाँ पे गाइस वो देखो पराठा भी है, अखाओं से तेरे यहाँ पराठा सजना, आलू का भी होता है पराठा सजना गाइस, गुची
Oh my god. A few moments later. So guys, अभी हम आ चुके हैं बाहर, पता नहीं कौन से मॉल से भाई, चार मॉल हैं यहाँ पे। ये देखो हर कोने में मॉल है और स्काई वॉक बना रखी है। अभी हम वो उधर गए थे सियाम में, सियाम पिवाट पता नहीं क्या है वो। सो गाइस अभी तो हम जा रहे हैं अपने रूम पे, काफ़ी ज़्यादा थकावट हो चुकी है। अगर आपको ये वाला व्लॉग भी पसंद आया हो तो चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी। सो ऐसी बड़ी बड़ी व्लॉग आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलते हैं जी कल नई वीडियो के साथ। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, सत श्री अकाल।